राधे राधे हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा का प्रिय भोग। तो कान्हा जी को ये बहुत पसंद है नारियल पाग। इसमें बनाने होते हैं हमें पंचमेवा और चाशनी के साथ। एक तार या दो तार की चाशनी हमें बनानी होती है, बिना तार की चाशनी से ये जमता नहीं है। तो इसमें अपनी पसंद का पंचमेवा मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर चाशनी बना रही हूँ और मैं इसमें डालने वाली हूँ मखाने, नारियल का बुरादा, खरबूजे के बीज और काजू बादाम। एक थाली पर थोड़ा सा घी डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे क्योंकि नारियल पाक हमें इसी पर जमाना है। उसके बाद मैं चाशनी को चेक करूंगी। तार वाली चाशनी अगर बन गई है, चाशनी चिपकने लगी है, इसका मतलब चाशनी रेडी है। तो इसमें अपनी पसंद का मेवा डाल सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, प्रिय है कान्हा जी का, इसलिए हम इसे यहाँ पर ज़रूर बनाते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो यहाँ मेरी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं सारा मेवा मिला दूंगी, मखाने, नारियल का बुरादा, खरबूजे के बीज और काजू बादाम कटे हुए। उसके बाद हम इसे चम्मच से अच्छे से चलाएंगे। गैस को बंद नहीं करना है जब तक कि चाशनी पूरी तरह से इनमें मिक्स ना हो जाए। तो ये चाशनी में जब पूरे मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, तब हम गैस बंद करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद आधे घंटे बाद जब ये थोड़े से गर्म होंगे और थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, तब हम इसमें कट करेंगे बर्फ़ी के पीसेस में, जैसे भी शेप आप चाहते हैं, और उसके बाद से दो घंटे के लिए रख देंगे। दो घंटे बाद ये बिल्कुल जम के तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा कान्हा को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये पूरा जम चुका है, मैंने इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद ये इस तरीके का लग रहा है। और यहाँ मैंने रख लिया है कान्हा जी का भोग। राधे राधे।